हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों, घर पे जो वायरिंग करते हैं उसमें बिजली फिटिंग जो करते हैं उसमें क्या क्या सामान लगते हैं, ठीक है, क्या क्या लगने चाहिए। ठीक है, आज उसी का मैंने एक लिस्ट बनाया है, एक मतलब डाटा तैयार किया है जिसपे आपको उसके बारे में डिटेल बताते हैं। आपको अगर कोई भी घर पे वायरिंग करानी है, कुछ भी करना है, तो हमारा वीडियो देखिए और इसमें आपको सारी चीज़ मटेरियल कैसे क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगना चाहिए, पूरा एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं एक एक चीज। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं जो सामने दिख रहे हैं। ये वायर हो गया, ये भी वायर हो गया अलग अलग कलर का, ये LED बल्ब हो गई, ये इंसुलेशन टेप हो गई, ये आपकी सीलिंग रोज हो गई, इन द सेंस ये आपके होल्डर हो गए, इसके आपके सॉकेट हो गए, स्विच हो गए, इनके इसके बाद ये स्विच बोर्ड हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पहला हो गया मेन स्विच। मेन स्विच दोस्तों आपका कहाँ लगता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके घर सप्लाई आती है, अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, यहाँ सप्लाई आ गई यहाँ पे आपके मीटर में, मीटर में से जो घर पे एनर्जी मीटर लगता है वहाँ पे आने के बाद हमारे यहाँ पे मेन स्विच में आती है, जिसमें फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूज के बारे में हम आगे देखते हैं। अगला ये फ्यूज ही है, ठीक है। फ्यूज यहाँ से होते हुए यहाँ पे कोई MCB वगैरह लगा के अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं घर में, ठीक है। यहाँ पे MCB नहीं दिखाया गया, लेकिन हम MCB के बारे में चर्चा करते हैं, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है फ्यूज। फ्यूज इसी के बारे में चर्चा किया था, यही फ्यूज यहाँ भी यूज किया था। ये बैकलाइट का होता है दोस्तों। यहाँ पे एक फ्यूज इसलिए कोई ओवरलोड हो गया, कोई मिसअप नहीं हो गया, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके घर पे इक्विपमेंट जो भी है, मशीन, आपके फ्रिज वगैरह, AC वगैरह, फैन वगैरह, लाइट वगैरह सेफ हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है स्विचेज। ये स्विच हो गया दोस्तों, ये अलग अलग टाइप के स्विच भी आते हैं। बेसिकली मैंने आपको दिखा दिया, ये स्विच हो गया। इसके बाद ये रेगुलेटर हो गया दोस्तों, ये आपके सॉकेट हो गए, ठीक है। ये आपके लाइट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि आपके लाइट लगाना, पंखे लगाने हैं, जो भी चलाने हैं उसके लिए लगते हैं। एक 6 एम्पियर के आते हैं, 16 एम्पियर के आते हैं, 16 एम्पियर को पावर सॉकेट कहते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं सीलिंग रोज। सीलिंग रोज वहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, जहाँ पे मतलब आपको दिखना नहीं चाहिए कि वहाँ से मतलब कट है, ठीक है। तो वहाँ से तार निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया, यहाँ से तार निकालते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सीलिंग रोज यहाँ इतना एरिया ओपन होता तो कितना बेकार लगता ना, इसीलिए सीलिंग रोज लगाना बहुत जरूरी है। वहाँ से इसके अंदर से तार निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है सॉकेट। सॉकेट जो हमने ऊपर चर्चा किया है, एक पावर सॉकेट होता है, एक नॉर्मल सॉकेट होता है। 6 एम्पियर वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल सॉकेट हो जाएगा, और 16 एम्पियर वाला हो जाएगा आपका पावर सॉकेट। जहाँ पे जिसकी यूजेज होती है वहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल लाइट और फैन चलाने के लिए आपका नॉर्मल सॉकेट, और फ्रिज, AC और आपका हीटर चलाने के लिए आपका 16 एम्पियर, ठीक है। वहाँ पे जैसा यूज वैसा। एक होता है लैंप होल्डर, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो दोस्तों ये भी देखने को मिलते हैं, ये भी देखने को मिलते हैं, ये भी देखने को मिलते हैं। आपको जो चीज़ रिक्वायरमेंट हो आप ले सकते हैं, ठीक है। एक आप फिर प्लग आते हैं, प्लग भी कई टाइप के होते हैं दोस्तों। ये प्लग होते हैं, एक पावर प्लग होता है, एक आता है नॉर्मल प्लग। पावर प्लग आपका जैसे कि पावर सॉकेट जैसे यूज होता है, वैसे पावर प्लग भी यूज होता है। पावर प्लग प्लग भी कई प्रकार के, एक आपका इस टाइप का होता है जैसे आपका दिख रहा है आयताकार, और एक होता है सिलेंड्रिकल जो गोलाकार होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। ये गोलाकार हो गया, ये आपका आयताकार हो गया। यहाँ पे भी ये कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे कि 2-way टाइप का होता है, 3-way टाइप का होता है, 3-pin टाइप का होता है, और 2-pin टाइप का होता है। 2-pin टाइप का इसलिए होता है जिसमें अर्थिंग नहीं होती है, नॉर्मल लगा के वैसे चला दिया, और 3-pin वाले में अर्थिंग होती है जो आपके इक्विपमेंट को भी सेव करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं केबल। ये होती है केबल दोस्तों, जहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं कहाँ से कहाँ केबल बेसिकली घर पे यूज करना चाहिए। यहाँ से लेके दोस्तों, मान लीजिए आपको यहाँ से आपने ट्रांसफार्मर किया आपका, यहाँ से लेके आप यहाँ तक केबल यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको यूज यहाँ से लेके यहाँ तक करना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे आप MCB लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप MCB लगा रहे हो तो यहाँ पे यहाँ तक यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, वहाँ तक यूज करना चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों अलग अलग केबल। अलग अलग जैसे सिंगल कोर केबल होती है, 2 कोर केबल, सिंगल कोर वायर होती है दोस्तों बेसिकली, और 2 कोर केबल होती है, 3 कोर केबल होती है, अलग अलग साइज की, अलग अलग टाइप के, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वैसा यूज होगा। बेसिकली घर पे वायरिंग कर रहे हो आपको 4 कोर मैक्सिमम जरूरी होता है। अगर 4 कोर नहीं भी, जैसे कि आप 3 फेज की सप्लाई आपके समरसेबल वगैरह नहीं है, तो आप क्या करोगे, 3 कोर का ले लीजिए। 3 कोर का आपका इस टाइप का होगा, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, आपके लोड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, ठीक है। दुकान पे जाओगे आप, बता दोगे इतना इतना ये समरसेबल है, ये है वो है, मतलब इतना लोड है हमारे घर, वो दे देगा उसके साथ। अगर नहीं तो आपको चाहिए उसके बारे में वीडियो डिटेल, तो आप हमें कमेंट करो, हम आपको बताते हैं कितने लोड पे आपके घर का कितना लोड है, कैसे कैलकुलेट करें, और कितने साइज ऑफ वायर लगेगी। जैसे ये फ्लेक्सिबल वायर होगी दोस्तों, अब मैंने बताया था ना
अब जैसे कि आप यहाँ तक केबल यूज कर लिया, आपने यहाँ तक केबल यूज कर लिया, ठीक है, इसके आगे आप सारा वायर यूज करो फ्लेक्सिबल, ठीक है, दो वायर ले जाओ, एक फेज एक न्यूट्रल, अगर अर्थिंग ले जानी हो तो एक अर्थिंग ले जाओ, अर्थिंग के लिए आप बेसिकली ये यूज करते हो और फेज ये रेड और ब्लैक आपका आपका न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मेन आता है नेक्स्ट एमसीबी, एमसीबी आपका टू पोल होती है, टू पोल होती है, सिंगल पोल होती है और थ्री पोल होती है, जैसे आपके रिक्वायरमेंट होते हैं। बेसिकली घर पे जो टू पोल मैक्सिमम नॉर्मल घर पे लिए टू पोल ही रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे यूज करना चाहिए, अदरवाइज आपको जैसे कि सबमर्सिबल वगैरह थ्री फेज का है तब थ्री फेज का यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें अलग अलग और भी इक्विपमेंट है, जैसे कि पाइप हो गया आपके, जैसे कि आप कंड्यूट पाइप से करना चाह रहे हो तो कंड्यूट पाइप हो गई, कंड्यूट पाइप को मोड़ना हो गया, बैंड हो गया, फैन बॉक्स हो गया, फैन को जहाँ टांगोगे वहाँ पे एक होल्ड करने के लिए होता है, कनेक्टिंग लाइट होते हैं लाइट के कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये बॉक्स ये क्या होता है दोस्तों, ये भी जैसे एक जगह से कई जंक्शन बॉक्स होता है, इसके लिए कई जगह आपको वायर भेजना हो गया। फिर इसके बाद आपका एक टेप हो गया, इस टाइप खाकी टेप भी आता है दोस्तों, ये भी राउंड जंक्शन बॉक्स हो गया, ये आपका डीप जंक्शन बॉक्स हो गया, ये डीप हो गया दोस्तों, ये राउंड हो गया, ठीक है। ये आपका स्विच बॉक्स के पीछे का पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, नीचे का पार्ट होता है। ये एमसीबी के बॉक्स होता है जो एमसीबी के फ्रंट पे लगता है, डोर जैसे बोलते हैं, ठीक है। हेक्सा हो गया दोस्तों, हेक्सा इन द ब्लेड जिसे काटते हैं दोस्तों, ठीक है। एक एसबी सीट हो गई जिसपे आप एमसीबी यहाँ पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। स्टील वायर हो गया दोस्तों, वहाँ पे यूज करते हैं जैसे कोई चीज़ बांधना हो गया, जैसे केबल वगैरह बांधना हो गया वहाँ पे यूज करते हैं, बेसिकली इसका यूज बांधने वाधने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। फैन सीलिंग का यहाँ पे अगर इनकेस फैन लगा रहे हो यहाँ पे होल करके यहाँ से तार निकाल के या फिर इसको कट करके यहाँ से उस फैन की रॉड डाल के यहाँ पे पूरा बंद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद राउंड सीट हो गई, इस टाइप की भी सीट आती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है जैसे फैन वगैरह टांगने के लिए वहाँ यूज कर सकते हैं। सीलिंग रोज हो गई दोस्तों, यहाँ से हमने दिखा था सीलिंग रोज, यहाँ से वायर निकाल सकते हैं। बल्ब होल्डर हो गया, ये भी बता दिया। आपके ब्रश पेच भी लग सकते हैं, आपको ब्रश वॉशर भी लग सकता है, ठीक है। ये बैंड वगैरह आपको हमने ऊपर चर्चा किया, आपको हमने इसके बारे में नहीं बताया था। इंसुलेशन टेप भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आरओआईबी के हिसाब से यहाँ पे है, न्यूट्रल के लिए यहाँ पे है, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा लगा देंगे। ये बैटन टाइप का आपके मतलब हो जाएगा, बैटन टाइप का आपका स्विच बोर्ड हो जाएगा, तो उसके पीछे का पार्ट है बैटन टाइप का, ये आपके मान लीजिए बैकलाइट टाइप का स्विच बोर्ड है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फैन रेगुलेटर के बाद में आपके डिटेल नहीं बताता। फैन रेगुलेटर बेसिकली फैन को रेगुलेट करने के लिए फैन मैक्सिमम स्पीड में ना चले, जिसके जैसे हमें कम हवा की जरूरत हो हम एक पे कर सकते हैं, ज़्यादा हवा की जरूरत हो दो पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तीन फोर पे आके फुल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था दोस्तों। घर पे जो जो सामान लगते हैं मतलब जैसे कि फिटिंग के लिए हो गया, वायरिंग के लिए हो गया, कोई भी जो रिक्वायरमेंट हो गई अगर घर पे वायरिंग कर रहे हो तो ये पूरा डिटेल रहा आपके आपके साथ। हमने आपको सोचा कि आपको घर के वायरिंग के बारे में अभी इतना बताया नहीं था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक यही था, आपको आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, मज़ा आएगा ये वीडियो देख के। थैंक यू सो मच दोस्तों।